तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चटपटा और मसालेदार बोनलेस चिकन ग्रेवी की रेसिपी। आप इसे रोटी, तंदूरी रोटी, नान, पराठा, चावल या फिर पुलाव के साथ भी परोसकर खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले हम 1/4 कप तेल कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1 तेज पत्ता डालेंगे, 2 मीडियम साइज के बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और प्याज डालने के बाद इसे हमें चम्मच लगातार चलाते हुए सुनहरा कलर होने तक अच्छे से भून लेना है। तो प्याज का कलर चेंज होने तक इसे मैंने 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 साबित कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। फिर से 1-2 मिनट तक मीडियम हीट पे हम भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक के अंदर का कच्चापना चला जाए। अब हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया पाउडर इसके अंदर डाल दिया है। 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यहाँ पे आप मिर्च पाउडर आपके हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 छोटा चम्मच हम चिकन मसाला डालेंगे। आप चाहे तो चिकन मसाले की जगह पे गरम मसाला भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मिला देंगे और लो हीट पे हमें इसे कुछ सेकंड के लिए भून लेना है। तीन बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद इसे भी आपको मीडियम हीट पे अच्छे से भूनना है ताकि नरम हो जाए। टमाटर को आपको जब तक भूनना है जब तक कि मसालों के अंदर से तेल निकलना शुरू नहीं हो जाता। तो थोड़ी देर में आप यहाँ पे देख सकते हैं तेल यहाँ पे निकलना शुरू हो गया है। हमने मसाला अच्छे से भून लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 किलो बोनलेस कटा हुआ चिकन। नमक डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच और फिर से थोड़ा सा नमक डाला है। तो आप आपके स्वादानुसार नमक इसके अंदर डाल सकते हैं। बोनलेस चिकन के पीस खाने में फीके ना लगे इसलिए मैं क्या करूँगी, 5 मिनट तक मीडियम हीट पे इसे मसालों के अंदर अच्छे से भून लूँगी। तो देखिए इसे मैंने बहुत ही बढ़िया सा भून के तैयार कर लिया है। यहाँ पे आप नज़दीक से मसाला देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के तैयार है। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी। तो यहाँ पे आप ये समय पे पानी आपके हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आप एक ग्रेवी पतली या फिर गाढ़ी खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1.5 कप पानी डाला है, शुरू में 1 कप और फिर से मैं अभी 1/2 कप इसके अंदर पानी डाल दूँगी। तो पानी डालने के बाद इसे मैंने मिला दिया है। ग्रेवी को गाढ़ा और क्रीमी बनाने के लिए अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ काजू का पेस्ट। तो काजू का पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप काजू को 1/2 कप पानी में भिगो के रखा था 15 मिनट तक और इसे मैंने अभी पीस के देखे यहाँ पे काजू का पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो इसे हम इस ग्रेवी के अंदर डाल के अच्छे से मिला देंगे। तो जब भी आप काजू का पेस्ट इस ग्रेवी के अंदर मिलाते हैं तो हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, गैस की फ्लेम लो ही रखना है या फिर लो हीट पे पकाना है, नहीं तो ये जल भी सकता है, इसलिए आपको लो हीट पे पकाना है काजू का पेस्ट डालने के बाद। अब मैं इसके अंदर डालूंगी लगभग 1 छोटा चम्मच के करीब भुनी हुई कसूरी मेथी और 1/4 छोटा चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर। कसूरी मेथी और ब्लैक पेपर को हम मिला देंगे। बोनलेस चिकन की पीस बढ़िया से पक जाए इसलिए अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लीड लगा के गैस की फ्लेम या लो हीट पे हम इसे लगभग 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये बनके बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा तेल भी दिखने लगा है। तो लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो यहाँ पे अपना चटपटा और मसालेदार बोनलेस चिकन ग्रेवी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे अभी हम 1 सर्विंग बोल के अंदर निकाल लेंगे। अगर आपको अलग अलग तरह की चिकन की रेसिपी देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो काजू का पेस्ट डालने से ये जो ग्रेवी है आप यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी और क्रीमी बन के तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी, चावल, पूरी,
पराठा या फिर पुलाव के साथ खा के देखिए, बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसके ऊपर मैंने थोड़े से इकट्टी हुई हरी मिर्च डाल के इसे गार्निश कर लिया है। आप चाहे तो हरा धनिया के पत्ते इसके ऊपर रखते हुए भी आप इसे सजा सकते हैं। तो ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये मेरी आज की बोनलेस चिकन ग्रेवी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। आप इस रेसिपी को आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और भी आने वाली मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।